आपने अपनी कहानी में लिखा है बाकर साहब कि हुकूमत इतना क्लियरली नहीं बता रही कि न्यूक्लियर डील के ऊपर क्या उनकी तैयारी है, जबकि ओबामा के जो कैंप है वहां से पता चल रहा है कि कुछ वहां पर होने वाला है। क्यों इतनी खामोशी है, आप क्या समझ सकते हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक चूंकि पाकिस्तान जो है कि उनको जो कंडीशंस ऑफर की जा रही हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये चाह रहे हैं कि नेगोशिएशन से पहले ये सारी चीज मीडिया में डिबेट का शिकार ना हो जाए, तो ये इसको सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, इस पर बहस नहीं पब्लिक चाहते। लेकिन अभी आपने जैसे आज ये कल रात स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट भी आ गया कि उन्होंने कहा है कि ये डील पॉसिबल तो नहीं होगी लेकिन बातचीत इस पर जरूर होगी, और ये बातचीत जैसे मैंने अपनी आज आपने जिक्र किया मेरी स्टोरी का उसमें भी जिक्र किया, ये कुछ अरसे से इस मसले पर बातचीत तो चल रही है। जो आखिरी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ था वाशिंगटन में जून इस साल जून में, तो उसमें ये तय उसमें दोनों साइड ने इस बात पे एग्री किया था कि पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम में इंटेग्रेट किया जाए।